दुकान है, कोई सवारी बंद कर रहा है सवारी, हाँ। कोई चल रहा ना, कोई सुविधा है, रात को सवारे पैसा ले रहे की जेब भर ले लोगों ने, और क्या कहते हैं यात्री से रात को साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं है, कितने परेशान हुए कल से आज तक हम। सरकार तो बोल रही है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ है, बहुत सारी कोई भव्य कुंभ नहीं, हम नहीं मानते इस बात को, रात में ठोकरे खाते फिर रहे हैं, चलो चलो भागो भागो, यही खाली रात बसेरा कुछ नहीं, रैन बसेरा हमें कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में, मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में, प्रयागराज में 2019 का कुंभ चल रहा है और कल दूसरा शाही स्नान होना है, कल मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के एक दिन पहले आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और लाखों की तादाद में आगे चलते जा रहे हैं, और पीछे आप मेरे देखेंगे कि केवल लोगों की भीड़ दिखाई रही है और कहीं पर किसी प्रकार कोई वाहन नहीं दिखाई दे रहा है, चूँकि वाहन बंद कर दिए गए हैं भीड़ ज़्यादा होने के कारण। सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ मुस्तैद है, हर तरह की व्यवस्थाएँ की गई है, चाहे डायल 100 हो एम्बुलेंस, तो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस जगह जगह पर तैनात है, इमरजेंसी के लिए डायल 100 तैनात है, फायर ब्रिगेड की टीम तैनात है, किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद दिखाई दे रही है। लोगों से बात करेंगे वो क्या सोचते हैं प्रयागराज की पावन धरती पर आकर, और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए हो आप? सब गुजरात से आए। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ प्रयागराज की पावन? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ जा रहे हो अभी? संगम जा रहे हो? संगम जा रहे हैं। सरकार बोल रही है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, लग रहा है दिव्य कुंभ जी, लग रहा है। इससे पहले भी कभी आए? इससे पहले 2013 में आए थे। तो पहले की कुंभ के बच्चा आपके कुंभ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, किसी प्रकार कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आप कहाँ से आए? हम भी गुजरात से आए, साथ में है। हाँ, गुजरात हम साथ में है सब। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, और रास्ते पहले की तुलना में जो रास्ते, फिर रहने की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन का सहयोग, बहुत ही बढ़िया तरीके से सरकार ने इसको आयोजित किया है। किसे धन्यवाद देने चाहेंगे इसके लिए आप? राज्य में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की कृपा से। इसी कैसा लग रहा है आकर? केंद्र में मोदी, घर में योगी। कहाँ से आए? गुजरात से। गुजरात से। आप कहाँ से आए हो? ग्वालियर से आए। ग्वालियर से आए हुए, मध्य प्रदेश की पावन धरा से, मध्य प्रदेश में उज्जैन में कुंभ होता रहा है, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? कोई परेशानी? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सुविधा आने जाने की। कहाँ अभी पैदल कहाँ से आ रहे हो आप? पैदल हम वहाँ से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से पैदल आ रहे हैं, चूंकि जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ गाड़ियाँ बंद है, किसी प्रकार कोई वाहन नहीं चल रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाने के कारण पब्लिक की सुरक्षा के लिए गाड़ियों को रोक दिया गया, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, कहाँ से आए बाबा जी? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से कब आए हैं? आज आ रहे हैं अभी। आज आए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं अभी? अखाड़े में जा रहे हैं। कौन से अखाड़े पे? जूना पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा। कहाँ से पैदल कहाँ से आ रहे हैं? पैदल नहीं आ रहे, हमारे साथ वाला रह गया था चेला हमारा, तो इसको लेने आए हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर आपको आकर कैसा लग रहा है? आनंद की अनुभूति मिलती है, आनंद की अनुभूति मिलती है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से। कैसी लग रही है यहाँ की व्यवस्था? एकदम जबरदस्त। कहाँ पैदल कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं, यहीं पास से आ रहे हैं। पास से। तो रुकेंगे कहाँ? यहाँ रुकने कहाँ, क्या व्यवस्था है आपकी? रुकने की व्यवस्था तो तंबू के अंदर। तंबू में। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, कैमरामैन से बोलूँगा, किसी के सर में गठरी है तो किसी के हाथ में झोला है, कोई 70 साल का है, कोई 65 साल का है, लगभग हर एज के लोग इस प्रयागराज की पावन धरती पर खींचे चला आ रहे हैं मौनी अमावस्या में स्नान करने। सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, जगह जगह पर डायल 100 और एम्बुलेंस खड़ी हुई है, और आपको बताने की कोशिश करूं किसी प्रकार के कोई वाहन अंदर नहीं आ रहे हैं, चारों तरफ वाहन वर्जित है, आने के लिए पुल अलग है, जाने के लिए पुल अलग है, ऐसी व्यवस्था है। कहाँ से आ रहे हो आप? भोपाल। भोपाल से आ रहे हो, कौन है साथ में? दादी मम्मी। दादी मम्मी। कहाँ से पैदल कहाँ से आ रहे हो? पुल से। अभी कहाँ जा रहे हो? मंदिर नहाने। मंदिर जा रहे हो नहाने, संगम। चलो, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारे साथ बच्चे, आप कहाँ से आ रहे हो? तो रीवा से। रीवा से। पैदल कहाँ से आ रहे हो आप? नए पुल से पैदल आ रहे हो, कौन है साथ में? अरे हम लोग फैमिली है काफी। अच्छा, पूरी फैमिली है, ये देख सकते हैं, रीवा से आए हुए, कोई महाराष्ट्र से आए हो, कोई नागपुर से आए हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं श्रद्धालुओं से। कहाँ से आ रहे हो दादा? मुरैना से। कैसा लग रहा है प्रयागराज की पावन धरती पर आकर? प्रयागराज धरती पर आना ही तो भैया परेशान है गए, हैरान है गए। क्या हो गया? अरे परेशान है गए। कैसे परेशान हो गए? चले चले के परेशान है गए। चल चल के। कहाँ चल रहे हो? पैदल कहाँ से आ रहे हो? पैदल यहीं से आए, स्टेशन से। स्टेशन से पैदल आ रहे हो? अभी कहाँ जा रहे हो? नावे के लिए। संगम जा रहे हो? ये देखिए श्रद्धालु हैं जो संगम जा रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, चूंकि पैदल चलना पड़ रहा है तो इससे लोगों को कष्ट
ब्लास्ट भी हो रहा है। हालांकि देख सकते हैं, कहाँ से आ रहे हो भैया? जिला बरेली से। बरेली से आ रहे हो जी? तो यहाँ कहाँ रुकना होगा? यहाँ आप देख रहे हैं कहाँ रुकेंगे। अच्छा, रैन बसेरे में जी। कितने दिन का टूर है आपका? 3 दिन का। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था यहाँ कम लग रही है, परेशान है, चलते चलते परेशान है। कोई सवारी बंद कर रहा है, सवारी कोई चलना ना, कोई सुविधा है। रात को सवेरे पैसा ले लेके जेब भर ली लोगों ने, और हमें कद्दू का हमें क्या कहते हैं यात्री से, तो रात को रुक रुक कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं है। कितने परेशान हुए कल से आज तक हम। तो सरकार तो बोल रही है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ है, बहुत सारी नहीं, कोई भव्य कुंभ नहीं। हाँ। हम नहीं मानते इस बात को। रात में ठोकर खाते फिर रहे हैं। हाँ। चलो चलो भागो भागो, यही खाली रात बसेरा कुछ नहीं, रेन बसेरा में कुछ नहीं है। कब से आए हो आप? हम कल परसों से आए यहाँ पर। रात में कहाँ रुकना हुआ था? रात में स्टेशन पर रुके, यहाँ से पैसा देकर गए स्टेशन। हाँ। और स्टेशन से फिर दोबारा आए रात को, वही सोए थे। पैदल आ रहे हैं स्टेशन? पैदल आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। सवारी सब बंद कर देंगे। कितने साल की उम्र है आपकी? क्या मेरी 74 साल उम्र है। आपके साथ ये माता जी? हाँ, माता जी साथ। माता जी पैदल स्टेशन से आ रही है? हाँ, पैदल आएंगे। पैदल आ रहे हैं, देख सकते हैं। 74-75 साल के बुजुर्ग हैं जिन्हें परेशानी हो रही है। स्टेशन यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। चारों तरफ की रास्ता बंद है, जैसा कि आपको पता होगा, सवारी वाहन नहीं चल रहे किसी प्रकार के, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण किसी प्रकार की कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है। आए कहाँ से हो आप? कहाँ से बताए हो आप? हम जिला बरेली से आए। बरेली से? हाँ जी। तो अभी यहाँ कहाँ रुकना होगा? रात कहाँ होगा? अब देख मालूम पड़ा कहाँ रुकना होगा, जहाँ जगह मिले वहाँ रुकेंगे। कैसी लग रही है सरकार? सरकार की व्यवस्था तो सही है कहीं तक। हाँ। परंतु गड़बड़ हो रही है, लोग कर्मचारी गड़बड़ कर रहे हैं उसमें। जो कर्मचारी वगैरह हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। मान लो कि वो रात की जो सेवा है सुरखंडे की, कर सब व्यवस्था भंग कर रखी है लोगों ने। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश। हाँ, करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं आ रहा हूँ बिहार पटना से। बिहार पटना से? कैसा लग रहा है? प्रयागराज की पावन धरती पर आए हैं, कुंभ चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैदल कहाँ से आ रहे हैं? पैदल तो आ रहा है, स्टेशन से आ रहा है। पैदल स्टेशन से आ रहे हैं, कोई सा कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, कोई विधि व्यवस्था बढ़िया नहीं है ना, ये बात है। व्यवस्थाएं पहली बार आ रहे हैं, पहले भी आए थे? नहीं, हम आए थे से 2000 वाला मुझे लगा था ना, 110 वाला कुंभ वाला वो वाला मिला आए थे ना, उसके बाद मैं ही वाला में आया हूँ ना। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे बोरियां सर में रखे हुए हैं, छोटी छोटी गठरियां हैं। लगभग 18 साल से, लगभग छोटी उम्र से बच्चे, 5 साल से बच्चों से लेकर उम्रदराज लोग आपको दिखाई देंगे। बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, हर तरह के लोग हैं, माता हैं, बहनें, जो केवल और केवल पैदल आपको सब दिखाई देंगे। और जैसे ही आगे भीड़ जा रही है, लाखों की तादाद में लोग आगे चलते जा रहे हैं और लाखों की तादाद में पीछे आपको दिखाने की कोशिश करो, भीड़ आती जा रही है। तो मौनी अमावस्या कल है, उसके एक दिन पहले इतनी भीड़ होना, जैसा कि सरकार बोली थी कि लगभग 20-22 करोड़ लोग इस बार प्रयागराज की पावन धरती पर कुंभ स्नान करेगी, वो चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोग आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं प्रयागराज में आकर, कैसा लग रहा है, व्यवस्थाएं के बारे में क्या सोच रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं माता? पटना से आ रहे हैं। पटना से आ रही है? कौन है साथ में? साथ में। कैसा लग रहा है आकर? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं? अच्छी है। चलिए, तो ये थे माता, आप देख रहे हैं। कहाँ से आ रही माता जी? गंगा पे जा रहे हैं नहाने। पानी पस से आए हैं। पानी से? हरियाणा? हाँ जी। तो हमारे को लग रहा है हरियाणा से आए हुए हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। अभी तुरंत आ रही है? हाँ जी। पैदल कहाँ से आ रही है? पैदल हम 5 किलोमीटर चल के आए हैं। संगम जा रही है? हाँ जी। चलिए, ये देखिए पानी पस से आए हैं, भारत ही विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, जगह जगह पर कोने कोने से लोग आपको आज दिखाई देंगे। और मैं हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं प्रयागराज में, जिस तरह से बोला गया दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, क्या वाकई लोगों के नजरिए में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ? वही चीज़ हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या सोच रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है यहाँ पर प्रयागराज की पावन धरती पर आकर, कैसा लग रहा है, कहाँ से आओ भैया? यहाँ आ करके बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पावन नगरी में। देखिए, जो यहाँ की सरकार ने, मतलब योगी सरकार ने जो काम किया है और यहाँ आकर के जो अनुभव मिल रहा है। आए कहाँ से हो आप? हम आजमगढ़ से आए हुए हैं। आजमगढ़ से? जी। और क्या जो झिझोरा पीटा गया दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, वाकई लग रहा है? ये कुंभ बहुत ही बढ़िया कुंभ है और उम्मीद करता हूँ कि इससे आने वाले समय में और इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा। और ये हम जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हमें प्रेरणा का स्रोत है। कहाँ से आए हो दादा आप?
इलाहाबाद। इलाहाबाद से हो, कहाँ से पैदल कहाँ से आ रहे हो? गल्ला मंडी है। गल्ला मंडी से कहाँ संगम स्नान करने जा रहे हो? हाँ यही सामने रामघाट। एमपी से आए। चलिए कहाँ से आए हो एमपी? एमपी। हाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश नीमच जिला मंदसौर। मंदसौर से। हाँ तो कहाँ से आ रहे हो अभी? कहाँ से आ रहे हो आप? अभी पैदल आ रहे हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए तो ये देखा आप, मैं जगह जगह से आए हुए लोगों को बात कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह प्रयागराज में आए हुए हर श्रद्धालुओं से बात करेंगे। प्रयागराज की हर विशेष चीज आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहे संवाद टीवी के साथ। वीडियो जल्दी निखिल के साथ सूरत संवाद टीवी।